रविवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने टप्पल इलाके में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर गांव जिगरपुर में 50 दिन से किसान धरने पर हैं। सचिन पायलट ने किसानों से कहा कि कांग्रेस उनकी लड़ाई संसद तक लड़ेगी। ये जो सरकार लखनऊ में बैठी है, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे सरकार बनने से पहले, आमदनी दुगनी कर देंगे, किसान की हर मदद करने को तैयार रहेंगे। अगर आप लोग अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करते हो और कानून के अनुरूप बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते हो, ये बिल्कुल जायज मांग है। और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आपकी इस मांग के साथ खड़ा हुआ है। जब भी आप इस मांग को लेकर आगे बढ़ोगे, पूरी हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। सचिन पायलट ने इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि टप्पल के गांव जिकरपुर में किसान नए भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक भूमि अधिग्रहण करने की मांग को लेकर 50 दिनों से धरना दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान यूपी में बसपा की सरकार थी, तब जिकरपुर में किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके बाद से ही जिकरपुर सियासी अड्डा बना हुआ है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।